तो चलिए बड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो उबले हुए आलू ले लीजिए बड़े के लिए। अब छिलके हटा लीजिए और हाथों से इस तरीके से मैश कर लीजिए। जब आप इन्हें अच्छी तरीके से मैश कर लें, तब एक पैन में 1 टेबल स्पून घी या तेल डाल दीजिए। जब घी गर्म हो जाए तब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी राई। राई चटकने लगे तो उसके बाद डाल दीजिए करी पत्ता। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है। अब डाल देंगे इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, मिक्सी में डालकर पीस लिया था। जब ये सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं, तब इसमें डाल दीजिए मैश किए हुए आलू। आलू डालने के बाद डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले। डाल देते हैं सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, साथ में जाएगा धनिया पाउडर और अब डालिए इसमें हल्दी पाउडर। जितने भी मसाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। नमक डाल दिया है और 1 चम्मच फुल भरकर आमचूर पाउडर डाल दिया है। इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। मैंने इसी परात में निकाला है जिस परात में हमने आलू को मैश किया था। ठंडे होने के बाद इस तरीके से बड़े बड़े गोले बना लीजिए। बॉल के आकार के यहाँ पर गोले बना लीजिए। सारे गोले हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब घोल बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं 3/4 कप बेसन का इस्तेमाल करूँगी। इतने बड़े बनाने के लिए इतना बेसन तो चाहिए ही। अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। मसाले के लिए इसमें केवल हल्दी और नमक डाला जाता है। साथ में इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है जो हमारे बड़े को क्रिस्पीनेस देगा। 1/2 नींबू का रस डाल दिया है। अब यहाँ पर हम 1.5 कप पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। बड़े बनाने के लिए हमें गाढ़े घोल की ज़रूरत होती है। 2 मिनट इसे फेंटना है। फेंटने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके का हमें घोल चाहिए। अब इन बड़ों को बेसन में डिप कीजिए और डिप करने के बाद इस तरीके से हम कांटे से उठाएंगे और गर्मा गर्म तेल में इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। आप चाहें तो बड़े को इस तरीके से दबा कर भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं लगभग 4 से 5 बड़े डाल रही हूँ। मीडियम हाई फ्लेम रखी है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे सिक गए हैं, काफ़ी अच्छे सिक गए हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। बड़े हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, इन्हें भूनेंगे। भूनने में केवल 2 मिनट का समय लगता है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इनके छिलके हटा लेंगे ठंडा होने के बाद। अब इसी पैन में हम लाल मिर्च को भूनेंगे। लाल मिर्च भूनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इन्हें भी निकाल लीजिए और उसके बाद आप कसा हुआ नारियल ले लीजिए। यहाँ मैंने 1/2 कप कसा हुआ नारियल लिया है। इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कलर चेंज हो गया है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं, तो उसके बाद मिक्सी में डालकर इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लीजिए। यहाँ मैंने लाल मिर्च, कसा हुआ नारियल और साथ में मूंगफली जिनके हमने छिलके हटा लिए थे, ढक्कन लगा लेंगे और इन्हें दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से दरदरा पिसा है। लेकिन अब ये तैयार नहीं है। हम इसमें एक बहुत ही ज़रूरी मसाला इसमें डालेंगे, कश्मीरी मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने 1 चम्मच फुल भरकर कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। दोबारा से मिक्सी में डालकर चला लिया और ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। उसी तेल में हमने हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लिया था, जिस तेल में हमने बड़ों को तला था। तो ये हमारी मिर्चें तैयार है। इसमें हम डाल देते हैं नमक। मिर्चों को मैंने बीच में से चीरा लगाकर तला था। सारी तैयारी हमारी हो गई है बड़े की, एकदम बढ़िया। तो चलिए बड़ा बनाने शुरू करते हैं। बड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ मार्केट से आप पाव ले आइए और उसको बीच में से इस तरीके से चाकू से कट लगा लीजिए या फिर हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर लगा लीजिए मसाला। तो सबसे पहले बड़ों को उस तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद इसमें मसाला डालिए दोनों साइड। ये वही मसाला है मूंगफली और लाल मिर्च वाला। इससे हमारे बड़ों को काफ़ी चटपटा सा टेस्ट मिलता है। तो आप इसे अपने टेस्ट के अनुसार लगाइए। मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। अब इसमें बड़े को लगा दीजिए इस तरह से।
इसके ऊपर लगा दीजिए हमारी फ्राई की हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर हरे धनिये की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, हाथों से इस तरीके से बीच में से तोड़ लेंगे। पाव भी दो तरह के आते हैं, छोटे और ये बड़े। थोड़े भी बड़ा साइज का पाव है। अब इसमें मसाला लगा लीजिए और इसमें दबा कर बड़ा रख लीजिए। इसके बाद डालिए इसके ऊपर थोड़ी सी हरे धनिये की चटनी। हरे धनिये की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्च लगा दीजिए और इसे बंद कर दीजिए। कुछ लोग इसे पाव को सेकते भी हैं, तो यहाँ मैंने सेक कर भी पाव बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा पाव बनकर तैयार है। साथ में आप चटनी और मसाला रखिए और सभी को सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।